सोलन में जानी मानी कंपनी वायलेट क्राफ्ट की 25 महिलाओं को अचानक कंपनी ने गेट पर ही रोक दिया और कहा गया कि कंपनी प्रबंधन का आदेश है कि वे कंपनी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हताश महिलाओं ने अपने बचाव के लिए इसकी सूचना लेबर ऑफिसर को दी। अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले को सुलझाने में लग गए, लेकिन काफी समय तक दोनों पक्षों की उन्होंने दलीलें सुनी लेकिन कोई निष्कर्ष पर वे नहीं पहुँच पाए। आपको बता दें कि ये महिलाएं सोलन के आसपास के क्षेत्रों से आती हैं और कंपनी उनसे 10 घंटे काम लेना चाह रही है और महिलाएं 10 घंटे को काम करना नहीं चाहती, यही वजह विवाद की जड़ है। महिलाओं ने कहा कि कंपनी प्रबंधन उनसे 10 घंटे काम करवाना चाहती है। ओवरटाइम के केवल उन्हें 12 रुपए से लेकर 25 रुपए प्रति घंटा दिया जा रहा है, जो कि बेहद कम है। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन का व्यवहार भी कर्मचारियों से ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वे दूर दूर से यहाँ आते हैं, जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब जैसे हम सुबह 9 बजे से 5:30 हम टाइमिंग है हमारी, तो ये हमारे से 8:30 बजे से 6:30 तक हमारा ओवर टाइम लिया जा रहा है। तो उसमें हमारे को जो ओवर टाइम दिया जा रहा है वो 20 रुपीज़ और 25, वो भी 75 बेसिक जो मिल रहा है उसी हिसाब से जो हेल्पर वगैरह है उनको उससे भी कम दिया जा रहा है। 12 रुपये 10 रुपये ये ओवर टाइम मिल रहा है। वही टाइमिंग वही है जो 8:30 से 6:30 बजे तक, उसके बाद हम कहाँ जाते हैं। हर बंदा 0 पॉइंट से और शांति से नहीं आता, बहुत दूर दूर से आते हैं। कंडा घाट से भी लोग आते हैं, उससे आगे जरूरी नहीं है कि जहाँ पे बस वाले छोड़ते हैं वहीं हमारे घर है, उससे भी हमारे को आगे जाना पड़ता है। और जो HR है वो बदतमीजी, अगर HR हमारे को ये बोलता है कि भाई आना है तो आओ, नहीं आना तो घर में बैठो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, बाकी मैं देख लूंगा। 10 घंटे काम करवाया जा रहा है और 2-3 दिन से हमने मैनेजमेंट को बोला कि हम नहीं कर सकते, 8 घंटे काम करेंगे 9 से 5:30। तो 2 दिन तो हम सब आ गए 5:30 बजे बाहर और 2 दिनों से इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। आज इन्होंने हमारे लिए गेट बंद किया। मैनेजमेंट ने बोला कि जो करना चाहते वो कर ले, OT लगाना चाहते वो लगाए, जो नहीं करना चाहते वो जाए। तो हम इनके कहने से ही आए, बाहर आए थे और 9 बजे इन्होंने हमारे को गेट बंद किया और बोलते कि तुम्हारे लिए लेटर निकाल दिया गया और आप अंदर नहीं आ सकते, आप कल से आना 8:30 से 6:30 बजे तक। हम वाइल्ड क्राफ्ट कंपनी के वर्कर हैं सारे, हम सारे ये चाहते हैं कि हम 9 से 5:30 बजे तक काम करेंगे, अगर ज़्यादा है तो हम 8:30 से आ जाया करेंगे, बाकी हम आधा घंटा हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी नहीं। अगर जो वर्कर कहना 8:30 से 6:30 तक काम कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उनके लिए बस अलग से प्रोवाइड करें, ये बात है। बस हम यही चाहते हैं, जो वर्कर बाहर आना चाहते हैं 9 से 5:30 काम करना चाहते हैं उनके लिए बस अलग से दो। पर हमें घर में जाना पड़ता है, बच्चे खाना मांगते हैं, बुजुर्ग हमारे सास ससुर हैं, हमारे लिए बैठे बैठे होते हैं कि कब आए बहू और खाना बनाए। 9:30 बजे तक हम जाएंगे, कब नहाएंगे, कब अपने कपड़े धोएंगे, तो सर कब बच्चों को खाना देंगे। सर कि 10-12 घंटे ड्यूटी करो, हमारे से नहीं हो रही सर। हम बोले कि हम 8 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं सर, ये मुश्किल हो रही है हमारे को, पर ये नहीं मान रहे सर। 2-3 दिन तो इन्होंने आने दिया कि भाई चलो नहीं हो रहा तो जा सकते हैं। आज 3रा दिन हो गया, आज गेट बंद कर दिया हमारे लिए, आज जाने नहीं दिया सर। हमारी माँ गई, हम 8 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं सर, क्योंकि छोटे बच्चे हैं सर, घर 9 बजे पहुँचते हैं हम। वहीं जब इस बारे में लेबर ऑफिसर मुनीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच समझौता करवाने का प्रयास किया गया लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं निकल पाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिकायत उन्हें मिल गई है जिसमें वे दोनों पक्षों की बात सुनेंगे और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि कंपनी मास्क बना रही है जिसके चलते वे नियमानुसार 10 घंटे कर्मचारियों से काम ले सकती है, लेकिन वहीं ये नियम भी है कि अगर ओवरटाइम किया जाता है तो कर्मचारियों को आजकल डबल ओवरटाइम देना होगा। जिन नियमों की पालना नहीं कर रही है इसको लेकर श्रम अधिकारी क्या कार्यवाही अमल में लाएंगे ये भी देखने योग्य बात होगी। पहले मैंने लेडीज से मिला, लेडीज ने ये कहा कि हम जो है हमारी बच्चों की प्रॉब्लम है तो हम शाम को थोड़ा लेट जाती है घर, इसलिए हमारा टाइमिंग जो है सुबह का जल्दी किया जाए, शाम का थोड़ा कट किया जाए। तो इस मैटर में मैंने मैनेजमेंट से बात की तो मैनेजमेंट ये कहती है कि इसमें जो मैक्सिमम वर्कर्स है, तो हमने यूनियन के प्रधान को भी बुलाया, इसमें जो मैक्सिमम वर्कर है वो ये चाहते हैं जो टाइमिंग है वो सही है। तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि भाई इनकी जो बात है, इनका जो बच्चों की समस्या है उसमें बातचीत की जा रही थी, तो मैनेजमेंट अभी इस समय एट प्रेजेंट मानी नहीं है। और ये वर्कर भी ये कहते हैं कि भाई हमको जो है हमारे जो बच्चों की प्रॉब्लम है इस वजह से हम इतने घंटे काम नहीं कर सकते, ये कहना अपने। तो इसमें अभी कोई इसमें सोल्यूशन निकला नहीं है, तो इसमें फर्दर हम देखेंगे इसमें क्या कार्रवाई करनी है, एज पर लॉ क्या कार्रवाई हो सकती है, उसी हिसाब से हम इसमें काम करेंगे। हमने इनकी कंप्लेंट ले ली है
ठीक है ना, कंप्लेंट के मुताबिक इनको अपने पास बुलाएंगे, मैनेजमेंट को भी बुलाएंगे, जो एज पर लॉ होगा, श्रम कानूनों के तहत जो होगा वो कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं।